नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क। अगर आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी, मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार गठन के लिए एनडीए गठबंधन के बाहर बातचीत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की 10 से घटकर। सीएम सिद्धार्थ मौर्य इस्तीफा दे और जांच का सामना करें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार गठन इंडिया गठबंधन के बारे में बातचीत की गई, जिसमें चलते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के बाहर किसी अन्य राजनीतिक दलों के साथ सरकार गठन के लिए किसी भी पर्दे से पीछे बातचीत की अफवाह का खंडन किया। बता दी कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इसके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक प्रवर्तक ने कहा कि एनसीपी परिणाम आने के बाद सरकार गठन के लिए किसी अन्य राजनीतिक दल या निर्धारित उम्मीदवारों के साथ पर्दे के पीछे होकर बातचीत ना करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी 10 से घटकर 40 पर। गुरुग्राम में 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के राष्ट्रपति सत्र पर पहली बार अपने दम पर सत्ता संभालने के बाद से पार्टी में राज्य खासकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उनकी विशाल रैली पर बहुत भरोसा किया। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी 10 रैलियों के साथ मोदी ने हरियाणा में भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में खड़ा कर दिया जिसकी सीट कभी विधानसभा सिंगल डिजिट में नहीं आई। लेकिन इसके बाद वह 90 सदीय राज्य विधानसभा में 74 सीटों के साथ पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी बन गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिद्धार्थ मौर्य इस्तीफा दे और नहीं तो जांच का सामना करें। कर्नाटक के बेलगावी में शुक्रवार को पत्रकार से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए गए। शेट्टी ने कहा है कि जब राज्यपाल ने मामले की जांच की मांग की तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के आदेश को क्यों चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखा। क्षेत्र के बताया है कि FIR दर्ज की गई और जांच जल्द शुरू होगी की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध किया कि अब तक पूरी जांच हो जानी चाहिए थी, अब तक इस पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। वक्तों से दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।